सर्वप्रथम आह्वान करें हम परात्पर एवं परात्पराजन्य की सम्मिलित दिव्य चेतना का, अवतरित होकर वर्तमान में परात्पर के प्रतिनिधि स्वरूप प्रादुर्भूत हुए महायोगी महर्षि श्री अरविंद द्वारा विरचित सावित्री महाकाव्य के बुक 1 कैंटो 4 द सीक्रेट नॉलेज 52वें पृष्ठ की 34वीं पंक्ति पर 35वें इंस्टॉलमेंट में हमारी चेतना को अपनी चेतना के साथ रखकर ऊर्ध्वारोहण कराएं, ताकि रखे गए भाव को, विचारणा को, मंत्रों को, सूत्रों को प्रकट होने पर हम ठीक ठीक देख सके, जान सकें, सीख सकें, समझ सकें, तद अनुरूप साधना के दुरूपद पर अपना कदम आगे बढ़ा सकें। इसी मनोभाव से हम प्रयत्न करते हैं। कहते हैं महायोगी, यट एफोर्सिंग नॉलेज might be ours if we could take our spirit's stand within, if we could hear the muffled demon voice. Too seldom is the shadow of what must come cast in an instant on the secret scene. Sense which feels the shock of the invisible, and seldom in the few who answer give. The mighty process of the cosmic will communicate its image to our sight, identifying the world's mind with ours. पूर्व के कुछ भाव को साथ रखकर सरल भाव की ओर हम आगे बढ़ते हैं। मानव के मानसिक ज्ञान की सीमितता ही अंतिम ज्ञान नहीं है। भविष्य में घटित होने वाली क्रियाओं को अपने मन के ज्ञान में ठीक ठीक जान पाना, ऐसे विस्तारित ज्ञान क्षमता का विकास मानव के लिए संभव है। इसके लिए हमारी इंद्रियगत चेतना के केंद्र को, जो सदैव बहिर्मुख बनी रहती है, यदि हम इस केंद्र से विमुख होकर हमारे भीतर स्थित चैत्य चेतना केंद्र में अंतर्मुखी करने हेतु 7 स्तरों की गहराई में प्रवेश पाकर भीतर केंद्र में स्थित अंतः पुरुष पर चेतना को केंद्रित हमें करना होगा, ताकि अंतरात्म पुरुष शक्ति से प्रभावित मन की शक्ति तथा सत्ता के अन्य प्रभावित स्तरों में एक दिव्य क्रिया जागृत होकर हमारी 7 स्तरों की सीमित क्षमता से विस्तृत विशालता में परापार लोक के भविष्यदर्शी परम ज्ञान की भावी घटित होने वाली घटनाओं से मानव सचेतन बन जाने की क्षमता वाला हो जाने के स्तर पर मन को स्थित कर पाते, कर सकते, ताकि इसके अधिक परिपक्व हो जाने पर अंतरात्मा की भागवत संकल्प सिद्धि प्रयास की उदित दिव्य प्रकंपनों की दिव्य आवाज, दिव्य प्रतिध्वनि अपने अंतर मन प्राण शरीर की चेतना में गुंजरित होते हुए सुन सकते। सामान्यतः हम हमारी 27 स्तरों के इच्छा, आकांक्षा, वासना तथा हम पूर्ण मांगों एवं मन की अपरा विषुमान प्रवाहित विचारों के प्रवाह से प्रभावित हमारा मन इनके प्रति प्राथमिकता पूर्ण चयन के शोर में दबी स्व अंतर से उदित आवाज के दबकर रह जाने से सतह पर नहीं सुन सकने के कारण अक्सर ये इस अंतर उदित वाणी को सुनने का कभी स्वांग करते और हमें मानव जाति को भ्रमित करके भूल भ्रांति में डालकर विपरीत राह की ओर ऐसे मनधारी मानव ले चल सकते हैं। किंतु यदि इनसे किसी भी उपाय से पूर्ण रूप से अंतर्मुखी बनकर निज आत्मा में मानव केवल निज आत्मा में ही जी सके और यह आत्मा से उदित दिव्य प्रकंपनों की प्रतिध्वनित वाणी जो 27 स्तरों पर पड़े आवरण एवं बाह्य वृत्ति के कारण दमित बने रहते हैं, इनके बहिर्मुख बने रहने के कारण हम कभी भी अंतरात्मा की दिव्य प्रकंपनों की दिव्य ध्वनि नहीं सुन पाते हैं। किंतु यदि अंतरात्मा उदित यह वाणी मानव सुन सके तो यह अंतरात्मा से उदित दिव्य प्रकंपनों वाला दिव्य भविष्यदर्शी ईश्वरीय ज्ञान, जिस पर से हमारा अधिकार छीन गया था, पुनः अपना चिर अधिकार प्राप्त करके स्व अधिकार जमा सकते हैं। और तदनुरूप भागवत संकल्प सिद्धि प्रयासरत रहते हुए द्रुतता प्राप्त कर सकते हैं। अभिव्यक्त जगत में धरती पर जो कुछ भी घटित होता हुआ प्रतीत होता है वह सब कुछ जगत के सबसे सूक्ष्म लोक स्तर पर पहले पहल ईश्वर की रचना अभिव्यक्ति के पूर्व रची जाती है, जो बाद में स्थूल जगत में प्रकट होती है। धरा पर स्थूल अभिव्यक्ति के पूर्व सूक्ष्म जगत में सृष्टि रचयिता द्वारा यह महीन वस्त्रों की सूक्ष्म अति विशाल सृष्टि सृजन की भावी चादर रच दी जाती है, जो पूर्व निश्चित होकर तदनुरूप नीचे धरा पर वेग से गिरकर अवतरित होकर निर्धारित आकारों में आकारित होकर जगत जीवन घटनाक्रम से गुजरती हैं। इस प्रकार की क्रियाएं सूक्ष्म दिव्य लोक में सतत चलती रहती हैं, जो मानवीय इंद्रिय बोधगम्य न होने के कारण भौतिक अनुभव में नहीं आती है। इसी वजह से मानव सामान्य तौर से स्थूल जगत में घटित होने वाली घटनाओं के प्रति सचेतन नहीं हो पाते। नहीं ठीक ठीक जान सकते हैं कि अब अगले क्षण आगे क्या घटित होने वाला है, किंतु कुछ बहुत थोड़े से ही मानव धरती पर होते हैं जिनकी सूक्ष्म जगत के होने वाले घटनाक्रम की ग्रहण कर सकने की शक्ति जागृत हो जाती है। अंतरात्म निवसित ऐसे मनधारी मानव अधिक विकसित सूक्ष्मग्राही इस सूक्ष्म शक्ति के दिव्य प्रकम्पनों को जो तीव्रता से धरा पर घटित होने का दबाव बनाए रहती हैं, इसके वैश्विक घटित होने जा रहे घटनाक्रम के आने वाली उस निश्चित भावी की एक छवि तो किसी विरले क्षण में मानव के गूढ़ रहस्यात्मक बोध को छू देती है, जो अदृश्य के द्वारा अवतरित होकर घटित होने वाले दबाव के आघात को जानता इन जानने वालों में से भी कोई कोई महाभाग मानव घटित होने जा रही भागवत संकल्प सिद्धि में घटित होने जा रही वैश्विक संकल्प की महान क्रिया को प्रत्युत्तर देती है। ऐसे ही प्रत्युत्तर देती दिव्य मेला के विरले क्षणों में कभी कभी किसी भागवत चयनित पात्र मानव के आत्मशासित मन के संग परम भागवती दिव्य शक्ति की सूक्ष्म योजना एकाकार हो जाती, तब ऐसे दिव्य चयनित मानव दिव्य यंत्र का दिव्य मन समष्टिगत वैश्विक चेतना एवं ज्ञान के संग एकाकार हो जाता, तब विश्व मन में जगत ब्रह्मांड एवं परापार स्थित बस्ती भागवत प्रतिमूर्ति निवसित भागवत प्रतिमूर्ति को मानव आंखों के सम्मुख प्रकट पाकर साक्षात्कार की अवस्था में स्थित होकर ऐसे मानव यंत्र को माध्यम बना लेते स्वयं ईश्वरीय शक्ति ऐसे भागवत संकल्प सिद्धि हेतु चयनित यंत्र में प्रवाहमान होकर जगत व जागतिक सामान्य चेतना को दिव्य संस्पर्श प्रदान करके उन्मीलित कर पाती है। ईश्वर स्वयं को ऐसे मानव में निवसित कराकर धरा पर अपने दिव्य कर्मों का दिव्य कार्यालय स्थापित करके जगत ब्रह्मांड संचालन का कार्य संपादित करने लगते हैं। आज हम इस सारगर्भित विषय को यहीं विराम देते हैं। आह्वान पर अवतरित हुई परात्पर एवं परात्पराजन्य की सम्मिलित दिव्य चेतना जिन पर आरूढ़ होकर हमने सावित्री महाकाव्य के दिव्य सूत्रों मंत्रों को प्रकट होने पर देखा सीखा समझा जाना, अवतरित हुई दिव्य चेतना से हम निवेदन करें प्रकट हुए इस ज्ञान को विज्ञान को हमारी सत्ता के स्तरों में उचित स्थान प्रदान कराएं, ताकि जब जब साधना के दुरुपद पर हमें इस ज्ञान विज्ञान की आवश्यकता हो तब तब यह ज्ञान विज्ञान जागृत होकर साधना के दुरुपद पर हमारा नेतृत्व कराए। इसी मनोभाव से हम कुछ पलों के लिए ध्यान की गहराई में प्रवेश कर जाएं। सचेतन सावधान सावचेतन रहें, भागवत क्रिया हमारी सत्ता के स्तरों पर संपन्न होने जा रही है।